ये बिलाल टाउन का रिहायशी खालिद जावेद है, जो अपने इकलौते बेटे के इंतहाई इकदाम के बाद गम में आंसू बहा रहा है। इसका बेटा मोहम्मद उमर यासीनाबाद में वाके एमसी एलिमेंट्री स्कूल में छठी जमात का तालिब इल्म है। तीन रोज छुट्टी करने के बाद वो जब स्कूल पहुंचा तो हेडमास्टर ने बगैर इत्तला छुट्टी करने पर उमर को वापस घर भेज दिया और वालिद को बुलाकर लाने के लिए कहा। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का बुलावा था, वालिद बेइज्जती के खौफ से स्कूल नहीं गया, जिस पर उमर ने खुद सोजी कर ली। सुबह स्कूल गया, हेडमास्टर साहब ने उन्हें स्कूलों काट देता है, तो आके उन्हें कहा अबू जी मैनू हेडमास्टर ने स्कूलों काट देता है। अपने अबू का शनाख्ती काट दिया तो अबू ने बुला के लिया। मैं यार मैनू तो वैसे शर्म आती है पुत, जब दरखास्त भेजी उन्होंने जाके हेडमास्टर साहब ने कि मेरे अनुचारे नु पता दरखास्त भेजी है। बच्चे का 90% जिस्म झुलस चुका है और माँ इकलौते बेटे के गम में झुलस रही है। और स्कूल गया वा ते मुड़ के असि इंतजार करते रहे, हुणे आ जांदा हुणे आ जांदा। मैं कहने अज नहीं तेरे अबू गए, सुबह चले जान दे तेरे नाल। ते हुण आंदा हुण आंदा, असि डीकदे रहे। मुड़ के सानू एक फोन आया, इहदे पापा ने मैं पुछदी रही कित्थे चले जा, कुछ नहीं दस्सा, तुर गए। बाद च दरवाजा खड़किया कोई भाई आके कहिंदा उमर ने अग ला ली अपने। अपने इकलौते भाई के गम में इकलौती बहन भी गम से निढाल है और कहती है कि मुल्क में और तो कुछ नहीं, इंसाफ तो होना चाहिए। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ। ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਛਠੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਥਾ ਔਰ ਇਸਕੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੇ ਪਰ ਹੋਈ। ਅਭੀ ਤੋ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਥੇ। ਆਪਣੇ ਕਮਸਿਨ ਜਿਸਮ ਕੋ ਉਮਰ ਨੇ ਨੰਨੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਜਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹਮਾਰੇ ਤਲਖ ਸਮਾਜੀ ਰਵੱਈਓਂ ਕੀ ਦਾਸਤਾਨ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। और अलाइड अस्पताल में उमर के झुलसते जिस्म से सदाएं बुलंद हो रही हैं।